वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइनी ट्रैवलर्स। और आज मैं और ये और मम्मी जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? महादेव के टेंपल में हम जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं कलेश्वर वाला एक और हमारा व्लॉग है, लेकिन इस व्लॉग में स्पेशल, उस वो वाला व्लॉग भी एक्चुअली स्पेशल था, उसमें हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। और ये वाला व्लॉग भी स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में हमारे साथ मम्मी जी हैं और मम्मी जी फर्स्ट टाइम जा रही हैं कलेश्वर। हम तो बहुत बार जा के आ चुके हैं और कलेश्वर वाला टूर हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा है और बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है वहाँ पर जाके। यहाँ देहरा से कोई 15 किलोमीटर्स दूर है कलेश्वर धाम और ये बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है। कलेश्वर में वहाँ पे 2 डक्स हैं, हम आपको उनसे मिलाएंगे। हम जितनी बार भी जाते हैं वो हमें ज़रूर मिलती हैं और हम जैसा बिल्कुल डर डर के बच बच के उनके साइड में से निकलते हैं, क्योंकि अगर आप उनके ज़्यादा पास में जाएंगे ना तो वो ऐसे करके अटैक कर देंगे आपके ऊपर, क्वैक क्वैक करके। यहाँ हमने लगा दी गाड़ी पार्किंग, मेरा सामने ग्राउंड। गाइस आज रामनवमी है तो भीड़ है और ये यहीं पे जूते खोलने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है मेन मंदिर परिसर। मम्मी ने भी लगवा लिया और इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, आप भी लगा लो, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है। आप भी बोलना, मेरे को भी लगाओ यहाँ पे। नहीं दाढ़ी है, कोई चीक्स भी है तो दाढ़ी दाढ़ी थोड़ी है। ननू आ जा, लगवा लो, चीक्स पे भी लगाओ, रुको ना इधर आओ, बाबा जी इनको भी लगाओ यहाँ गालों पे। हर हर महादेव। ये है मेन मंदिर, कुछ ही शॉट ले पाएंगे, पूरा नहीं आपको दिखा पाएंगे। ये है गाइस मंदिर का मेन परिसर, इस तरफ है ऐतिहासिक प्राचीन श्री कालीनाथ कलेश्वर महादेव। गाइस अभी भी हमने महादेव के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हर हर महादेव। इस तरफ ये जो एरिया देख रहे हैं आप, वो देखिए सामने इतनी खूबसूरत नदी, और ये पानी बरसात के टाइम पे ये जो नीचे स्टेप्स हैं यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है ये स्टेप्स तक, और अंदर भी आ जाता है अगर बड़ी ज्यादा बारिश हो तो अंदर तक आ जाता है, नहीं तो यहाँ तक तो है ही, इसको आना ही आना है और महादेव को टच किए बगैर जाए ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी, कमेंट सेक्शन में लिखना जय श्री राम। तो गाइस मंदिर से बाहर निकलते ही सामने ही इधर बैठने के लिए स्थान बनाया और साथ में ही ब्यास नदी, बड़ा ही सुंदर दृश्य, इधर बैठने से मन शांत हो जाता है। तो इधर हमारा जो है एक फ्रेंड छोटू सा मिल गया, ये देखो। लेके जानी एक मेल। देखो गाइस ये हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि हम गाड़ी में हैं कि कहाँ है। बाय बाय डक्स, पीछे मत करना नहीं तो फिर टर्की खानी पड़ेगी रात को।
गाइस अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। दर्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे हुए, बहुत ज्यादा अच्छे दर्शन हुए हमें। और फिर हमें ये डक्स मिल गई जो इनकी फ्रेंड्स बन गई। ये एक्चुअली हमें बहुत पहले से जानती है ना, तो ये हमारे पीछे पीछे लग पड़ी थी, हमारे ब्लॉग्स देखती है। ये भी हमारे ब्लॉग्स देखती है। तो आगे अब कुछ आगे जाके जो है कुंड है, 7 कुंड है जो पांडवों ने बनाए थे, 5 कुंड है जो पांडवों ने बनाए थे, उनको देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए। ये मंदिर से एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, वो जो सामने दिख रहा है पैदल पैदल रास्ता, अगर हम कलेश्वर से यहाँ आते तो भी हम यहाँ आसानी से पहुँच जाते। बट मम्मी को आने में दिक्कत होनी थी इसलिए हम गाड़ी लेके आ गए यहाँ पे। तो गाइस ये रहा सामने 5 कुंड जो पांडवों ने बनाए थे, और बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि आपको पता है आज रामनवमी है, ये जो कुछ भक्त बैठे हैं और ये भी है एक भक्त। ये है चंबा पत्तन पुल और ये रहा खूबसूरत दरिया। इधर एक्चुअली पता क्या होता है, जब पूरी फुल बरसात होती है ना तो ये पुल के साथ टच होने लग पड़ता है, ये थोड़ा सा फर्क बह जाता है।